Hey guys, what's up? क्या हाल चाल आप सभी लोग के? Welcome back to another gameplay of Palworld. Palworld आप सबको पता ही है कैसी गेम है. इसमें पोकेमॉन्स पकड़ने होते हैं. मैंने पिछले एपिसोड में 5 पोकेमॉन्स पकड़े थे. मुझे नहीं पता उनका नाम. सारे पोकेमॉन्स का नाम धीरे धीरे ही पता लगता. ऑन द स्पॉट किसी पोकेमॉन का नाम नहीं पता लगता. तो यहाँ पे आज हम जो भी एपिसोड खेलेंगे उसमें देखते हैं हम कौन से पोकेमॉन्स पकड़ते हैं. साथ में मिलकर पकड़ेंगे और बहुत ही डेंजरस पोकेमॉन पकड़ेंगे और थोड़ा सा वर्ल्ड भी खोलेंगे. कुछ भी सिनेरियो होगा एपिसोड का तो साथ में मिलकर करेंगे. तो करते हैं एपिसोड स्टार्ट साथ में मिलकर. लेट्स गो, आ जाओ गेम प्ले में. सो गाइज वेलकम बैक टू गेम प्ले. हमने यहाँ पे एपिसोड एंड किया था तो यहाँ से हम चलते हैं और देखते हैं कौन से पाल को कैसे पकड़ेंगे. मेरे पास कौन कौन से पाल है पहले तो ये देख लेते हैं. पोकेमॉन मींस और ये पैल वर्ड है हमारा बढ़िया करके. तो हम देखते हैं हमारे पास 5 पैल है मतलब बढ़िया करके. और पैल को हमने और पैलों को ढूंढना है. हमने इन पैलों को अपग्रेड करना है. हमने मतलब सारी चीजें अपग्रेड करनी. हमने अपना लेवल अपग्रेड करना है. सारी चीजें अपग्रेड करनी है. तो यहाँ से चलते हैं और पैल ढूंढते हैं और मतलब इन सबको लेके चलेंगे साथ में. तो ये भाई पूरे एक्टिव हो चुके हैं और यहाँ पे हमने अपना एपिसोड एंड किया था. तो यहाँ से चलते हैं फटाफट देखते हैं भाई कौन कौन से पैल मिलेंगे. तो यहाँ से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा और हमको काफी सारे फास्ट ट्रैवल ओपन करने पड़ेंगे. तो फास्ट ट्रैवल पहले देखते हैं कहाँ से ओपन कर सकते हैं हम. मतलब बहुत सारे सिनेरियोस हैं इस गेम में भाई. बहुत सारी जगह है. देखते पहले मैप देखते हैं हम यहाँ से कहाँ जा सकते हैं भाई. ये पूरा वर्ल्ड खोलना हमने धीरे धीरे करके. तो हम पहले यहाँ से चलते हैं. कोई बड़ा सा पोकेमॉन पकड़ेंगे भाई बहुत तगड़ा सा. थोड़ा सा ये बिल्ड करते हैं भाई. पहले तो मेरे को इसके लिए ये यूज करना पड़ेगा बहुत ज्यादा. कर दिया क्या? हाँ होने वाला है. बस एक दो ही लेने हैं मैंने, ज्यादा नहीं लेने. ताकि आगे जाके हमारे को सारी सीन मतलब इजी रहे. हमारे को कुछ भी चीज हमने पकड़नी हो तो पकड़ लें हम बहुत इजीली. और यहाँ से दूर चलते कहीं और हम फास्ट ट्रैवल फटाफट से जाके बहुत जल्दी जाके फास्ट ट्रैवल ओपन करते हैं जिससे कि हम सारे पैल्स पकड़ पाए. तो ऑल राइट गाइस यहाँ से हम चल रहे हैं और देखते हैं यहाँ पे सारे इनका नाम क्या होता है. चिकी पी ये बहुत सारे चिकी पी भी कलेक्ट करेंगे. और मुझे एक चीज और पता लगी है इस गेम में. हम जितने भी पोकेमॉन्स पकड़ेंगे ना एक जैसे उनको हम कंबाइन कर सकते हैं जिससे कि वो बहुत बड़ा पोकेमॉन बन जाए. मतलब उनकी जो हेल्थ लेवल ये वो सारी चीज होंगी वो बहुत बड़ी हो जाएंगी. तो हम एक ही टाइप के बहुत सारे पोकेमॉन पकड़ सकते हैं. और यहाँ पर लिखा हुआ कैप्चर 5 लैम बेल्स यही होते हैं. तो हम इनको पकड़ सकते हैं. और अभी मेरे पास क्या क्या सिनेरियो पड़ा है. मेरे पास 3 ये पड़े हैं कैप्चर पावर मतलब मेरे पास स्पेल फेयर वगैरह मतलब पड़ी हुई है. काफी सारी चीजें पड़ी हुई हैं. तो आगे जाके और ढूंढेंगे और यहाँ से चलते हैं. पहले तो कोई बड़ा सा पोकेमॉन पकड़ने. और मेरे पास कौन कौन सा पोकेमॉन है आप देख लो पहले ही. मतलब इसमें दिख जाएगा कि मेरे पास कौन कौन सा पोकेमॉन है. तो मैं बहुत सारे अपने पोकेमॉन पकड़ सकता हूँ. जैसे कि ये सिनेरियो है तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि कौन कौन सा पोकेमॉन है. डायर हॉल है, काटीविया है, पॉक्स पॉक्स है, पेंगुलेंट है और डेयर ड्रीम है. ठीक है ना. ये ऐसी इस टाइप के कुछ है. कोई मार रहा है क्या? कोई मार रहा है क्या भाई? हेलो को मार क्यों रहा है भाई तू? इधर आ भाई इधर आ. वो भाग रहा है यहाँ से. ओए इधर आ मेरे पास आ. साले लैम बेल को पकड़ना है मैंने बड़े सारे और लैम बेल मुझे मार रहे हैं. बताओ मैं क्या करूँ बताओ यार. और ये मुझे देख रहा है यार. मत देख मुझे ऐसे. मैं जहाँ से जा रहा हूँ भाई मेरे को काफी सारी चीजें पकड़नी है. मुझे तो अभी तो पूरा एपिसोड मतलब पूरी गेम प्ले भी समझनी है कि क्या क्या उसमें हो सकता है. तो पहली बात तो ये कि मैं कोई क्रेजी सा पोकेमॉन पकड़ता हूँ भाई. ये 3rd लेवल का पोकेमॉन है और ये बहुत ही अलग सा लगा मुझे यार. और मेरे को पैल फेयर मिल रहा है क्या? ये कोई क्रिस्टल मिला मुझे. बाकी मुझे ये पकड़ना है एक दिन भाई. ये बहुत पावरफुल पोकेमॉन है और ये मारता नहीं है. देखो ये वैसे एग्रेसिव दिख रहा है लेकिन ये मारता नहीं है. हंगरी है ये. मैं हंगरी हूँ. ये हंगरी नहीं है तो मैं अपने आपको कुछ खिलाता हूँ भाई. पहले अपने आपको खिलाऊंगा. हंगरी नहीं रहना मुझे यार. हंगरी नहीं रहना बिल्कुल भी. तो यहाँ से चलते हैं गाइस फटाफट से. और मैंने एक ये खोल रखा है फास्ट ट्रैवल. और आगे जाके और फास्ट ट्रैवल खोलते हैं और बाकी सारी जगहों पे भी चलते हैं. और एक वो टॉवर दिख रहा है वहाँ पे पक्का कोई बॉस पोकेमॉन होगा जिससे मैं फाइट कर सकता हूँ. लेकिन अभी मैं फाइट के कैपेबल नहीं हूँ तो मेरे को फाइट नहीं करनी है. अभी मैं काफी सारी ये सारी चीजें ले लूंगा जिससे कि मैं जाके कुछ खा पाऊँ. इससे क्या निकला है भाई? बड़ी सारी चीजें निकल गई. वैसे तो जनवन में बड़ी सारी चीजें निकल गई. बाकी मुझे कोई क्रेजी सा पोकेमॉन पकड़ना है. वहाँ पे कुछ ग्रीन है आप देख रहे हो गाइस. तो मैं तैर के जा सकता हूँ ग्रीन ग्रीन की तरफ. हाँ मैं जा सकता हूँ भाई. तेरा स्टैमिना खत्म होने वाला भाई. जल्दी निकल जा वरना तू पानी में मर जाएगा. मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी. मुझे वापस घूम के आप आना पड़ेगा. बाकी ये क्या है भाई? कुछ अलग सा ही है. पता नहीं क्या क्या निकलता रहता है. कोई एनर्जी निकल जाती है. पहले मैं इसकी एनर्जी बढ़ाता हूँ. ये देखो भीग रहा है भाई. बताओ क्यों भीग रहा है भाई? तू भीग मत ऐसे. और यहाँ से फटाफट चलते हैं और देखते हैं भाई कि हम किस किस को पकड़ सकते हैं. और ये टाप के मतलब ये सबको पकड़ लेता है. देखो जैसे इसको यहाँ पे चिपक चुपक के चले जाता है स्पाइडरमैन की तरह. भाई स्पाइडरमैन है क्या तू? स्पाइडरमैन तो नहीं है गाइस ये. खैर चलते हैं यहाँ से मैंने काफी सारी चीजें पकड़ी थी. मैंने वो भी ओपन कर लिया था. पेंगुइनट मैंने ले लिया था. पेंगुइनट को पेंगुइनट से लड़ा के मैं क्या करूंगा. और मेरी सारी चीजें हैवी हो रही है तो मेरे को और चीजें नहीं कलेक्ट करनी है. बाकी भाई ये कौन सा पोकेमॉन है भाई? 10th लेवल के पोकेमॉन जा रहे हैं. मैं इनको पकड़ सकता हूँ भाई. मैं इसको पकड़ना चाहता हूँ भाई. पता नहीं मैं इनको पकड़ पाऊंगा नहीं पकड़ पाऊंगा. मुझे देख के भाग रहे हैं यार. बहुत ही क्रेजी भाई. भागो मत. हेलो भाग रहे हैं भाई. ये मैं कैसे करूंगा इनके साथ? ये भाग रहे हैं
भाई बड़े गंदे तरीके से भाग रहे हैं और ये कोई नए है भाई, ये तो सेकंड लेवल के हैं, मुझे उनको पकड़ना था यार, मैं नहीं पकड़ पाया सॉरी यार। और यहाँ पे कोई कुछ पड़ा हुआ यार, ये एग है भाई कोई ट्रोलिंग एग, ये एग का यूज होते यार मुझे नहीं पता। बाकी मैंने पढ़ा था एक सर्वे में, मतलब उसमें इसके मेन्यू उसमें पड़ा हुआ था, पूरा पड़ा था मैनुअल में कि भाई ये जो चीज है ना ये भाई टाका बढ़वाएंगे हम दोनों का, मतलब दो पोकेमोन्स का टाका बढ़वाएंगे, उनको बढ़वा के जो एग फ्रेगमेंट होता है उनमें से ये एग निकलता है और इनको हम बिल्ड कर सकते हैं। तो मुझे एक वो भी चीज ऐड करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, मतलब मेरे को बिल्ड करना पड़ेगा भाई, काफी सारी चीजें बिल्ड करनी पड़ेंगी, मुझे पता नहीं मुझे क्या क्या चीजें बिल्ड करनी है, बाकी बिल्ड करेंगे। बाकी मेरे ये जो है पेल्स फेयर्स के काम आता है ये। और बाकी ये कौन सा पोकेमोन है भाई जो अंदर घूम रहा है और ये कौन उड़ के जा रहा है भाई, मुझे काफी सारे पोकेमोन पकड़ने हैं, मैं इसको पकड़ूं क्या सिनेरियो भाई इनका मुझे पता नहीं है। हेलो मारेगा तो नहीं मुझे भाई, ये एक बेकार सा ही पोकेमोन लग रहा है मुझे, कोई बहुत खास पोकेमोन लग रहा है। और अंधेरा होने लग गया यार, या फिर मैं ऐसी जगह पे आ गया जहां पे अंधेरा दिख रहा है मुझे, मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां पे मैं ऐसी जगह पे आ गया जहां पे मुझे अंधेरा दिख रहा है, लेकिन अंधेरा नहीं है शायद ये, तो यहां से चलते हैं। बाकी मुझे पता नहीं भाई इस गेम का कुछ भी, भाई बहुत ही क्रेजी गेम है। आप लोगों को मेरा पहला एपिसोड कैसा लगा था मुझे जरूर बताना कमेंट में, और जो जो नया है चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत चल रही है इस गेम प्ले की, क्योंकि इस गेम को एडिट करना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यूनिक गेम है और बहुत ही अच्छी गेम है। और यहाँ पे कुछ चमक रहा है, क्या है भाई, व्हाट इज दिस, लेदर, लेदर मिला मुझे भाई, लेदर अच्छी चीज होगी कोई, कहीं ना कहीं तो काम आएगी। बाकी ये भी कोई पोकेमोन है, ये भी छोटे मोटे पोकेमोन लग रहे हैं, मैं क्या पकड़ूं इनको, इनकी पावर्स भी नहीं पता मुझे, मैं आगे चलता हूँ क्योंकि मुझे मेनली फास्ट ट्रैवल खोलने हैं और वहां के आसपास के जितने भी पोकेमोन है उनको वहां पे कैप्चर करने और फिर मुझे फटाफट भाग जाना अपने जगह पे। फास्ट ट्रैवल तो मुझे दिख गया गाइस, एक फास्ट ट्रैवल दिख गया मुझे बहुत ही प्यारा, यहाँ पे ये वुड पड़ी है, मुझे वुड नहीं लेनी है, फास्ट ट्रैवल दिख गया। और ये कोई अलग सा पोकेमोन है जो मुझे दिख रहा है, और यहाँ पे कुछ अलग सा पड़ा हुआ है जिसको मैं उठाने वाला हूँ बहुत जल्दी, इसको मैं उठाता हूँ जो भी चीज है ये। बाकी फास्ट ट्रैवल नहीं है भाई ये, भाई ये कौन सा पोकेमोन है, मुझे लग रहा था फास्ट ट्रैवल है ये, क्योंकि ये फास्ट ट्रैवल नहीं, तो रात हो चुकी है और यहाँ पे रोशनी है यार, व्हाट द हेक मैन, यहाँ पे ये समुंदर का ये जो रिवर है इसका ही मेरे को मतलब ऐसा वाइब मिल रही है, और सब सो रहे हैं पोकेमोन, जो थके हुए पोकेमोन है वो सो रहे हैं, देखो मैं इनको उठा के मार सकता हूँ लेकिन मैं अभी चुन नहीं लूंगा, मैं कोई बड़े पोकेमोन पकड़ूंगा भाई। और ये भी कोई पोकेमोन है भाई, नाइन्थ लेवल का पोकेमोन है, मैं इससे बढ़वाऊँ क्या अपने पोकेमोन्स को, बढ़वाता हूँ यार, मार भाई इसे, मार 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 इसे, मार इसे भाई, मार, क्या मारती है, ओए भाई ये दोनों ही बड़े खतरनाक है भाई, इसको मारो भाई, इसको मारो, इसको पकड़ूंगा मैं, इसको मारो, इसको मारो, इसको पकड़ लूंगा मैं भाई, ये बहुत ही क्रेजी पोकेमोन लग रहा है मुझे, नहीं इसको मारो भाई, तू वापस आ जा वेयरवुल्फ, अभी मैं कोई और भेज देता हूँ, और मैं कोई और भेजता हूँ इसके पास भाई, मारो इसको, मारो भाई, मार तू, मार जो भी तेरा नाम है, मार इसको फटाफट, मेरे को धीरे तुम्हारे नाम याद होंगे, इतनी जल्दी नहीं होंगे भाई, नहीं 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 नहीं, इनको मैंने मारना है, इसकी हेल्थ भाई बहुत जल्दी खत्म करनी है, ओ भाई क्या मार रहा है तू ये, ओए मेरी हेल्थ क्यों कम कर रहा है, रुक तेरी ऐसी की तैसी, मेरे पोकेमोन को मत मार दियो जान से, आया तू वापस आ जा यार, फिर तू इसको मार भाई, ये मेरे पोकेमोन को गंदे तरीके से मार रहा है यार, मेरे पोकेमोन की हेल्थ देखो यार, तो मैं भाई वापस लेके चलूंगा और ये वाले पोकेमोन को मैं छोड़ दूंगा इसके पास भाई, इनकी हेल्थ तो मैं बढ़ा दूंगा कैसे ना कैसे करके भाई, ये बहुत डेंजरस पोकेमोन है, नाइन्थ लेवल का पोकेमोन है भाई, इसको मैंने पकड़ना किसी भी कीमत पे भाई, पता नहीं कैप्चर होगा नहीं होगा, इसके पास ये लग जाएगी, अबे यार ये बच गया उस वाले अटैक से, बच गया भाई, मैं इसको अकेले कैसे मारूं भाई, ये ले भाई, फिर बिड़ो बिड़ तू मेरे से बिड़ भाई, कैसे है एक पोकेमोन कैसा है यार, अजीब सा मर ही नहीं रहे, तो मेरी जो स्टेज है मतलब जो मेरा लेवल है वो थोड़ा छोटा है, इस वजह से मैं इसको नहीं मार पा रहा, वरना मैं मारूंगा तो बहुत जल्दी इसे यार, आ जाए मेरे पास और वापस इसके पास मार, इसको मार, वो मेरा पोकेमोन मर गया गाइस, मेरा पोकेमोन मर गया, इसने मेरे एक पोकेमोन मार दिया, पेंगुइन ही मार सकता है इसे और कोई मार नहीं सकता इसे, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों, अंदर से फील आ रही है, ओ नहीं पूरा नहीं मारना, 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 इसको थोड़ा सा मैं और मारूंगा और इसको मैं पकड़ लूंगा, बस कैप्चर हो जाएगा ये, अबे भाई इनने मेरी बहुत हेल्थ कम कर दी है यार, गाइस इनको पकड़ना मुश्किल है, नामुमकिन है यार भाई, मैं बच बच के जा रहा हूँ कैसे ना कैसे करके, मुझे मारना पड़ेगा गंदे तरीके से, इसको मैं पकड़ के रहूंगा, चल तेरी ऐसी तेरी, आ जा आ जा, मैं पता तू, मैं पता तू, मैं पता, आ जा पूरा 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 पूरा, प्लीज 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 प्लीज, मेरी बॉल मत वेस्ट कराइयो, अबे भाई बाहर बाहर आ गया, चल फिर आ, अबे यार इसने मेरी एक बॉल और वेस्ट करा दी, एक्स्ट्रा बॉल वेस्ट करा दी भाई, अब तू आ जा प्लीज, अब आ जा, अब आ जा, अब आ जा, अब मत रुकियो, आ जा आ जा आ जा आ जा भाई, 74% 88% प्लीज 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 गाइस, फाइनली हमने एक बहुत डेंजरस पोकेमोन पकड़ा जो बहुत अच्छे लेवल का है, और भाई मेरी हेल्थ देखो गाइस, मुझे कुछ खाना पड़ेगा बड़ी जल्दी यार, भाई क्रेजी हो गए ये तो हैं भाई, मेरे जोन से पोकेमोन, मेरे कोई पोकेमोन मरा है क्या, कोई पोकेमोन, ये पोकेमोन मर गया भाई मेरा, मेरे को उसको घर लेके जाना पड़ेगा जिससे कि ये फिर से जिंदा हो पाए, ओ भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ये समस्या बाहर हो रही है भाई, चीजें यहाँ पे चलना पड़ेगा गाइस, मुझे यहाँ से भागते हैं फटाफट से और देखते हैं भाई कि क्या कर सकते हैं गाइस, और चलते हैं यहाँ से फटाफट से, और मुझे तो भाई पहले तो ना फास्ट ट्रैवल ढूंढना है, और ये भी है भाई कोई बहुत ही क्रेजी पोकेमोन है ये भी, और भाई मुझे सबके हेल्थ बढ़ानी है, और मैं पहले ही पहले पोकेमोन की भी हेल्थ बढ़ाऊंगा जैसे जैसे करके, जिसको मैंने अभी मारा है, अभी मैंने किसको पकड़ा है यार, इसमें से तो आ ही नहीं रहा यार, मैंने जिसको पकड़ा वो मेरे पास आ चुका है, मेरे को घर जाके पता लगेगा कि भाई वो कौन है, मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा अपने मेन पोकेमोन्स के अंदर में,
भाई भाई मुझे ना मेनली ना पता क्या करना है, मुझे फास्ट ट्रैवल ढूंढना है, और भाई ये कौन सा पोकेमोन है, टॉमबैट। टॉमबैट भाई क्रेजी सा पोकेमोन है, बाकी सारे बहुत सारे पोकेमोन सो रहे हैं, थके हुए हारे हुए वीक पोकेमोन सोते हैं भाई। लेदर पकड़ लूंगा मैं, लेदर मेरे आगे जाके बहुत कम आएगी, मैं इसकी शक्ल देखना चाहूंगा एक बार भाई, कैसा सा पोकेमोन है ये। अबे भाई ये क्रेजी पोकेमोन लग रहा है भाई, भाई ये तो हमला करने लग गया मुझे, मेरे पे उई भाई नहीं 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 भागो 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 भागो, और मुझे पेल्फेयर्स नहीं मिल रहे, मेरे पास पेल्फेयर्स भी नहीं है, देखो मेरे पास एक पेल्फेयर रह गया भाई, और उसने मेरे दो तीन पेल्फेयर्स वेस्ट करवा दिया। वहां पे भी देखो कितने प्यारे प्यारे पोकेमोन है भाई, मुझे यहां से जाके ना फटाफट से कहीं ना कहीं से फास्ट ट्रैवल ढूंढना, जिससे कि मैं अपने घर जा पाऊं, अपने बेस पे जा पाऊं, और मैं कुछ कर पाऊं जिंदगी में यार। भाई बहुत ही क्रेजी, बहुत ही क्रेजी। गाइस जल्दी से सब्सक्राइब ठोक दो यहाँ पे, यहाँ पे अगर देख चुके हो यहाँ तक तो ना सब्सक्राइब का बटन दबा लो, और बेल आइकन भी दबा लो, जिससे कि आपको ये वाली गेम प्ले दिखती रहे। पेल्फेयर में मुझे तीन मिल गए हैं, वाओ वेरी नाइस गाइस, बहुत ही मजा आ गया। चलते हैं यहाँ से आगे, देखते हैं कौन से पोकेमोन हमारे को मिलने वाले हैं। बाकी मैं फटाफट से जाने वाला हूँ, और मेरे को बहुत अंधेरा लग रहा था इसलिए मैंने ये अपनी टॉर्च खोल ली है। बाकी आगे देखते हो भाई कौन कौन से पोकेमोन मिल रहे हैं मुझे, और कौन कौन से पोकेमोन दिखेंगे। बाकी अपना मैप खोलता हूं मैं, पता नहीं अपोजिट ही आ गया क्या हो गया, मुझे तो पता नहीं भाई कहां जा रहा हूं मैं, लेकिन जहां पे भी जा रहा हूं मैं तो मेनली अपना एक कोई मेरे को फास्ट ट्रैवल दिख जाए ना कहीं से भी, ऊपर जाके देखूं मैं क्या है, ऊपर जाके भी कुछ अच्छा सा हो सकता भाई। यहां पे चीजें तो काफी सारी पड़ी हुई है, लेकिन मुझे लेनी कुछ भी नहीं है अभी तो, कि मेरे घर के आसपास भी ये सारी चीजें मिल जाती हैं। बाकी ऊपर भाई मुझे लग रहा है कोई क्रेजी पोकेमोन होंगे, आधे से ज्यादा पोकेमोन तो सो रहे हैं यार। और बाकी मैं अपना ये खाने पीने का फूड आइटम ले सकता हूँ, ये पैरी पैरी जो भी है भाई, ये मारता है, इससे भागो भाई बच के, ये मारता है। ये देखो देखो पीछे आ गया, मैं एग ले लूंगा, जिससे कि मेरी हेल्थ बढ़ जाएगी और मेरे पोकेमोन्स की भी हेल्थ बढ़ जाएगी। काफी सारी चीजें ले लिया मैंने यार, फटाफट से भागो भाई यहाँ से, फटाफट से भागो, सोचो ही मत, भागते रहो बस यहाँ से। भाई देखो मेरे पीछे पड़ गए सारे, और ये मुझे मारने को हो रहा है, और ये मुझे मार भी रहा है यार, अबे पागल वागल है क्या, तीसरे लेवल का है तू, देखो मैं खा जाऊंगा यार, तेको पता भी नहीं लगेगा। मेरे को मेरे से मत भिड़ भाई, मैं भाई अपने घर की तरफ जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और तू मेरे से भिड़ रहा है भाई, पागल वागल है क्या यार, ऐसे मत कर यार। भागते है यहाँ से फटाफट से यार, मैं लगातार बोली जा रहा हूँ, मेरे को इतना डर लग रहा है भाई इन पोकेमोन से, पता नहीं क्या सिनेरियो इन पोकेमोन का, और मुझे भाई फास्ट ट्रैवल नहीं मिल रहा कहीं पर भी, मैं फास्ट ट्रैवल ढूंढने के लिए भाग रहा हूँ, बताओ अंधेरे में इतनी ज्यादा आप लोगों के लिए, जिससे कि एक बेस्ट टू बेस्ट पोकेमोन पकड़ जाए, पकड़ ले मतलब पकड़ के जाए, पकड़ ले, और उससे क्या होगा, उससे बिल्ट हो जाएगा काफी सारा सिनेरियो, और मेरे पास स्टैमिना नहीं है, मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो पहले मैं ऐसे करके चलता हूँ, कहीं छोटी छोटी जगह से जाऊंगा ऐसे ऐसे करके, देखो कूद ही नहीं रहा यहाँ से, तो ये भाई मैं यहाँ से चिपक के जा सकता हूँ, चिपक के नहीं जा सकता कहीं जहाँ से मैं भाई। सिनेरियो देख रहे हो कैसा हो रहा है भाई, यहाँ पे डे हो चुका है, हाँ भाई डे हो चुका है, फाइनली डे हो चुका है शायद, आई थिंक सो, हाँ तो ये हटा सकता हूँ, तो मैं डे हो चुका है, सूरज निकल गया, देखो कैसे ऊपर आ रहा है भाई, सन कैसे ऊपर आ रहा है, बहुत ही क्रेजी तरीके से ऊपर आ रहा है। अगर हम उस साइड चलते हैं भाई, बहुत अच्छे अच्छे पोकेमोन मिलने वाले हैं मुझे ऐसा लग रहा है भाई, आपको भी लग ही रहा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई, मेरा वर्ल्ड बढ़ी जा रहा है, बढ़ जा रहा है। एक पोकेमोन मैं और कलेक्ट कर चुका हूँ, मुझे काफी सारी चीजें बिल्ड करनी है, जिससे कि भाई बहुत सारा सिनेरियो मैं क्रिएट कर सकता हूँ अपने वर्ल्ड में, और जितना मैं सिनेरियो क्रिएट करूंगा, जितनी मैं चीजें बिल्ड करूंगा, उतना मेरे लिए बेनिफिट है यार, तो कोई बेनिफिट नहीं है किसी का भी, आप लोग और मेरा बेनिफिट है, क्योंकि आप लोग मुझे प्यार दे रहे हो, तो भाई आप लोगों को बेनिफिट तो दिखेगा ना भाई। मैं यहाँ से जाऊंगा तो मैं बच नहीं पाऊंगा यार, मैं कहाँ आ गया यार, ये मैं समुद्र के बीच में आ गया, रिवर के बीच में आ गया कहीं पर, पता नहीं कहाँ आ गया मैं, ओशन के बीच में, बहुत ही गलत सिनेरियो हुआ है, तो मुझे कैसे ना कैसे करके वहां पे पहुंचना है। बस ये मेरे पे हमला ना करे यार, मेरा स्टैमिना इतना नहीं है यार गाइस, सबसे बड़ी बात पता क्या है, मेरा स्टैमिना इतना नहीं है, तो मैं पहुंच जाऊंगा तो ज्यादा बेटर होगा, नहीं पहुंच पाऊंगा तो मैं यहीं पर मर जाऊंगा, और मेरे को यहाँ पे आना बहुत मुश्किल लगेगा, तो मेरे को पहले यहाँ पे पहुंचना है कैसे भी करके, बहुत इजिली पहुंच जाऊंगा यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लंबा सफर नहीं है। बाकी मुझे आगे जैसे जाना ना, मुझे पहले यहाँ पे अपना स्टैमिना क्रिएट करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा मतलब, तो क्योंकि रुकूंगा जहाँ पे वहीं पर ही स्टैमिना बढ़ेगा मेरा, और कोई सिनेरियो नहीं है यहाँ पे। बड़े क्रेजी क्रेजी पोकेमोन है, मतलब देखो पानी से निकल के आया हूँ तो इसके ऊपर से पानी टपक रहा है भाई, क्या ही सिनेरियो। और मेरे को उस साइड जाना है तो मैं बड़े इजिली पहुंच जाऊंगा, मेरा स्टैमिना फुल हो चुका है, मैं वहां पे पहुंचना है। और भाई ये कौन सा पोकेमोन है, क्रेजी पोकेमोन है लेकिन लेवल इसका कम है। बाकी मेरे को एक उड़ने वाला पोकेमोन बहुत जरूरी चाहिए, जिससे कि मैं उसके ऊपर फ्लाई करके मतलब बैठ के फ्लाई कर सकता हूँ। तो भाई ये कोई गुफा दिख रही है मुझे यहाँ पे, पता नहीं कौन सा पोकेमोन होगा, मेरा स्टैमिना खत्म हो चुका है भाई। यहाँ पे कोई बॉस पोकेमोन होगा और मैं बॉस पोकेमोन से फाइट करने के कैपेबल में नहीं हूँ, कैपेबल नहीं हूँ मैं इतना, तो देख तो भाई ये कौन सी गुफा है, मैं पता नहीं पहुंच सकता हूँ नहीं पहुंच सकता, क्या सीन है यहाँ का। एंटर कर दूंगा तो एंटर ड्रैगन, कोई ड्रैगन भाई, इसका तो सिनेरियो ये लगा भाई, लेवल 13 का ये, मार तो सकता हूँ गाइस मैं इसे, अगर मैंने ये कैप्चर कर लिया ना गाइस, तो आज का मेरा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा, जो मैंने ये पेलवर्ड खेल रहा हूँ ना बहुत ही क्रेजी हो जाएगी। तो मैं यहाँ से अंदर चलता हूँ और मैं इसको मारूंगा, अपने सारे पोकेमोन बेशक मैं खत्म कर दूंगा अपने, लेकिन मैं इसको आज कलेक्ट करके जाऊंगा, क्या नहीं आओ। मैं पहले तो देखूंगा भाई कौन सा पोकेमोन है, बहुत ही क्रेजी पोकेमोन लग रहा है मुझे। ये कैसी सी जगह है, अबे भाई ये मैं कहाँ आ गया, ओ भाई फक भाई, पेंगुलेट मार इनको, मार इनको, ओ वो है मेरे से मत भिड़ो, मैं बहुत मार दूंगा, ये हैंग क्यों हो रही है भाई, भाई इतना ज्यादा खतरनाक है क्या भाई ये सीन। ओए मेरे पेंगुलेट को हाथ भी नहीं लगा सकता तुम, और ये तो भाई ग्लिच में फंस गया, इसको मैं बहुत इजीली मार सकता हूँ, इसको भी मार दूंगा मैं भाई, मेरे को मेरे से मत भिड़ो भाई, पहली बता रहा हूँ मैं कि मैं गलत जगह पे आ गया मुझे लग रहा था। ओए मेरे से भिड़ेगा तू, तू मेरे पोकेमोन से कैसे भिड़ रहा है भाई, मैं किसी को कैप्चर कर सकता हूँ क्या, इसको कैप्चर कर लूंगा तो मेरे को कोई बेनिफिट मिलेगा क्या भाई, वेपन इज डैमेज, हाँ भाई ये बढ़िया लगता है मुझे पोकेमोन, इसलिए मेरा भाई इसकी हेल्थ भी जल्दी नहीं जा रही, मैं सबको मार दूंगा तो बहुत इजी हो जाएगा भाई। यहाँ पे कोई बॉस पोकेमोन है, मुझे नहीं पता कौन सा बॉस पोकेमोन है,
मर जाएगा तू भी बेटा, तुम्हारे बीच में आएगा तो मर जाएगा तू, बच ही नहीं पाएगा। ले बेटा ले ले, तू उछल उछल के आएगा तो मैं नहीं उछल के आ सकता क्या? मार इसको, मार इसको, जमा दे। ओए मेरे पोकेमोन को मारेगा, मेरा पोकेमोन मरेगा नहीं भाई तुमसे, मेरा पोकेमोन बहुत स्ट्रांग है, तू मर, खत्म खत्म ये खत्म भाई। मेरा ये डैमेज हो गया तो मैं इसको इससे मारूंगा, मरेगा नहीं क्या ये भाई? इसकी पावर बढ़ रही है यार। ओ भाई क्या है भाई, क्या हो रहा है? मर गया मर गया मर गया। और कोई बचा है? और कोई बचा है? और किसको मार रहा है ये? मेरे पीछे भी कोई है क्या भाई? मुझे क्यों मार रहा है मेरा पेंगुइन? ओ भाई वहां पे भी कोई है भाई, वहां पे भाई अड़ा पड़ा भाई वो तब से। आजा आजा मेरे पास आजा, हाँ इसको मार, इसको मार भाई, ये खतरनाक, इसको मैं मार सकता हूँ। ये ग्लिच में फंस गया भाई, ये कैसा ग्लिच है भाई गेम का भाई? मैं इसको मुक्के मुक्के मार रहा हूँ, मर नहीं रहा। हाँ भाई हाँ बता, आप क्या कहना चाह रहे हैं भाई? ये पत्थर के अंदर भाई, ये कौन सी ग्लिच में फंस गया ये भाई? ग्लिच अलग है इसका गेम का भी यार। ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई, कोई पोकेमोन लग रहा था मुझे यहाँ पे 13 लेवल का, और भाई कोई तो होगा भाई पोकेमोन, मुझे ऐसा लग रहा है। इसको मार दे, जान से मार दे, मैं को उसको कैप्चर नहीं करना। ये भी कैप्चर हो जाते हैं गाइस, इंसान भी कैप्चर हो जाते हैं ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े, बहुत ही क्रेजी बहुत ही क्रेजी। मार दे इसको मार दे। हाँ तू मेरे पोकेमोन को मारेगा बेटा, मैं तेरे को छोड़ दूंगा। इधर आ इधर आ, दोनों मिलके मारेंगे हम तेरे को। मैं एक और पोकेमोन छोड़ दूंगा, ज्यादा बोलेगा तो दो पोकेमोन इकट्ठे छोड़ दूंगा मैं। फिर मत बोलियो मुझे कि भाई तेरे साथ क्या हो गया। चल चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल निकल यहाँ से। मैं एक पोकेमोन और छोड़ दूंगा फिर तेरे को बुरा लगेगा बहुत ज्यादा। हाँ मर गया ना, अच्छा लगा? कोई फायदा हुआ तेरे को? नहीं हुआ ना। तो यहाँ से आगे जाके देखते हैं कि कौन सा पोकेमोन है भाई। ये कोई पोकेमोन है कि भाई पता नहीं कौन सी जगह पे आ गया हूं मैं भाई, मुझे समझ से बाहर है भाई। यहाँ से कोई रोशनी आ रही है तो यहाँ पे जाके देखता हूँ मैं फटाफट से एक बारी। तो कौन सी रोशनी आ रही है यहाँ पे भाई? ऊपर कौन है? ऊपर कोई भी नहीं है। यहाँ पे कोई पोकेमोन पक्का है, बहुत क्रेजी पोकेमोन है जिसको मैं पकड़ सकता हूँ, और मुझे नहीं पता वो कौन सा क्रेजी पोकेमोन है भाई। ये सिनेरियो नहीं हो सकता, यही दो पोकेमोन घूम रहे हैं तो मैं इनको ही पकड़ूंगा भाई। अटैक कर मेरे बच्चे, अटैक अग्रेसिवली। देखो कहाँ भाग रहे हैं भाई अपने। ओ भाई बहुत बड़ा वर्ल्ड है ये तो। ओ भाई यहाँ पे मेरी फाइट होने वाली है। ओ भाई मेरी यहाँ पे फाइट होगी। अब कौन से पोकेमोन से फाइट होगी भाई मेरी? वो लग रहा है ऐसा मेरी किसी पोकेमोन से फाइट होने वाली है। ये भी कोई पोकेमोन है, मैं वापस कैसे जाऊंगा भाई यहाँ से? मुझे ये भी नहीं पता मैं को वापस कैसे जाना है यहाँ पे। यहाँ पे भाई भाई बहुत ही क्रेजी दो पोकेमोन है, और ये मुझे सारे देखे भाग रहे हैं। मेरी फाइट यहाँ पे किसी से होनी है कि नहीं होनी मुझे नहीं पता। तू बेटा अंदर आ जाता, मैं बाद में पकड़ता हूँ। देखो मैं बाद में बाहर निकालूंगा, वेपन डैमेज हो चुका है, वेपन को भी रिपेयर करना पड़ेगा मुझे अपने सिनेरियोस में जाके भाई। मेरे को देखना है कि मुझे जाना कहाँ पे है भाई, मुझे लोकेशन ही नहीं समझ में आ रही भाई। यू हैव अनयूज्ड चेक पॉइंट्स भाई, कौन से अनयूज्ड चेक पॉइंट्स है मुझे पता नहीं लग रहा। बाकी सिनेरियोस बहुत गलत है यहाँ के भाई। यहाँ पे कोई पानी वानी है बहुत ज्यादा। हाँ पानी है भाई यहाँ पे, तो मेरे को पानी में नहीं जाना भाई, डेंजरस थिंग्स है यहाँ पे। मैं कहाँ घुस गया ये भाई? मुझे वापिस जाना भाई अपने घर पे यार, मुझे बचा लो यार मम्मा। नहीं तो गाइज वेलकम बैक, बाहर बाहर आ गया मैं। वेलकम बैक मतलब आउटसाइड की मैं बाहर आ गया। तो यहाँ पे पूरा डे हो रखा है, और यहाँ से मैं निकलता हूँ और मैं कुछ क्रेजी से पोकेमोन पकड़ता हूँ। और यहाँ पे देख रहे हो आप, फास्ट ट्रैवल खुला पड़ा, तो मैं वहां तक पहुंच चुका हूँ भाई। उससे आगे जाना है मुझे, उस साइड में चला गया था गलती से क्या, सारा ही सिनेरियो खोलना है मैंने धीरे धीरे करके, पूरा मैप खोलना है यार, तभी तो पता लगेगा कि कौन कौन सा पोकेमोन कहाँ मिल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मुझे पोकेमोन्स भी तो देखने हैं ना भाई। भाई मैंने एक क्रेजी पोकेमोन तो पकड़ा है, लेकिन वो मर चुका है। देखो आपको मैं दिखाता हूँ, वो मर चुका है और मेरे पास कोई ऐसा पोकेमोन नहीं है, और मेरा एक पोकेमोन तो मर चुका है, एक को मैं कैप्चर कर चुका हूँ, तो मुझे वापस जाने की बहुत जरूरत है। चलते हैं गाइस यहाँ से फटाफट से, देखते हो भाई ये मेरे को देख के भागते क्यों है, छोटे छोटे पोकेमोन देख के भाग जाते हैं मुझे, बड़ा अच्छा लगता है भाई मुझे। पता नहीं क्या सिनेरियो होता है इनका, समस्या भरा भाई, सीरियसली समस्या भरा। बस यहाँ से चलते हैं फटाफट से, और कोई पोकेमोन पकड़ते हैं। इसको मैं पकड़ चुका हूँ, और मेरे पास है ये वाला पोकेमोन कालीविया, पता नहीं क्या नाम है इसका, मुझे तो ढंग से पढ़ा भी नहीं जा रहा, मैंने ढंग से पढ़ा भी नहीं सीरियसली बताऊँ तो। ठीक है जो भी है व्हाटएवर। तो मैं पहले अपना सिनेरियो देखता हूँ भाई, मैं उस साइड पे जाता हूँ और मैं पहाड़ों पे चल के ऊपर की साइड पे जाकर देखता हूँ कि भाई मुझे कोई एक तो फास्ट ट्रैवल मिल जाए, मैं अपने घर की साइड जा पाऊँ और मैं देख पाऊँ मैंने कैसा पोकेमोन पकड़ा है भाई। बहुत ही क्रेजी पोकेमोन था, और मैं कुछ बिल्ड करूँ अपने घर के लिए यार, वो काफी सारी चीजें तो बिल्ड करनी है। और मेरे पास तेज भागने वाला, मेरे पास एक वो भी है, तो हाँ मेरे पास एक ये भी तो है। रुको ना यार, तो मैं इसके ऊपर चल सकता हूँ, मेरे को पता नहीं मैं कैसे चढ़ सकता हूँ। इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, वही भाग रहा है। इसके ऊपर कैसे बैठ सकता हूँ मैं, कुछ कैसे बैठ सकता हूँ मैं इसे, इसके ऊपर बैठ सकता हूँ भाई? मेरे को नहीं पता मैं कैसे बैठूंगा भाई। हंगरी है भाई ये, भाई इनको खिलाना पड़ेगा मुझे, हंगरी है ये सारे, मैं हंगरी हूँ, ये हंगरी नहीं है। मैंने अपने आपको बहुत ज्यादा खिला दिया। बाकी मैं इसके ऊपर बैठ सकता हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे बैठता हूँ, मेरे को देखना पड़ेगा मैं कैसे बैठ सकता हूँ अपने इस पे, क्योंकि मैंने कहीं देखा था कि बैठ सकता हूँ मैं अपने इस पे और मैं ट्रैवल कर सकता हूँ फास्ट, तो बहुत ही अच्छा होगा। ये डायर होल है कुछ कुछ जो भी इसका नाम है, यहाँ पर नहीं चढ़ सकता मैं, देखना पड़ेगा मेरे को कहाँ से चढ़ के जाना पड़ेगा भाई। भाई गिर मत गिर मत, ऊपर नहीं चढ़ पा रहा
चढ़ रहा है चढ़ रहा है चढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है, ऊपर चढ़ेगा धीरे धीरे करके चढ़ेगा, वो देखना पड़ेगा इसको मेरे को कैसे चढ़ाना है। ऐसे ऐसे करके चढ़ाऊंगा धीरे धीरे करके, छोटे छोटे सिनेरियो पे चढ़ा दूंगा तो बढ़िया रहेगा। हाँ तो यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ पे देखता हूँ मैं कोई भाई मुझे अटैक ना कर दे कोई, मैं कहाँ पे हूँ अपने घर के आसपास हूँ, मैं अपने घर के आसपास ही भटक रहा हूँ, मुझे इस साइड जाना था और मैं पता नहीं कहाँ भटकी जा रहा हूँ, अपने घर के आसपास ही भटक रहा हूँ, मैं वापस ही आ गया। लेकिन इसी बहाने मुझे हेल्थ फेयर मिल गई एक और, बहुत ही नाइस, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं देखता हूँ एक बार मैप और मैं गलत जा रहा हूँ अभी भी, तो मेरे को इस साइड कहीं जाना है। पहले मैं इस माउंटेन को क्लाइम करूंगा बहुत अच्छे से, माउंटेन को क्लाइम करके फिर मैं जाऊंगा यहाँ से ऊपर की साइड और फिर मैं सीधा सीधा निकल जाऊंगा और मैं काफी सारे पोकेमोन्स पकड़ने हैं। मेरे को फास्ट ट्रैवल खोलना, मुझे फास्ट ट्रैवल मिल ही नहीं रहा यार, बताओ मैं क्या करूँ, बताओ समस्या बारा भाई। इजी गेम लग रही है लेकिन है नहीं इजी गेम, कि मैं इसको इजी बना दूंगा, जितना मैं डेवलप करूंगा उतनी मेरे लिए इजी हो जाएगी, बहुत ही अच्छा सिनेरियो हो जाएगा मेरे लिए। यहाँ से चलते कोई अच्छा सा पोकेमोन ढूंढते हैं, मैं किसी अलग सी जगह पे आ गया क्या, नहीं अलग सी जगह पे तो नहीं आया, खैर एक बड़ी और मैप देखते हैं। ठीक है मैं सही जा रहा हूँ, इस साइड मेरे को जाना है, तो मैं इस साइड जाऊंगा तो मेरे को काफी सारी चीजें नहीं मिलेंगी। देखो ये वर्ल्ड है पूरा अलग सा ही क्रेजी सा वर्ल्ड है भाई, मुझे समस्या आ रहा भाई, एक पैलफेयर मुझे और मिल गई, वाओ। तो ऐसे में चलते रहूंगा तो मुझे पैलफेयर तो नॉर्मली मिल रही है यार, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी भाई ये कुछ जगह है भाई बड़ी क्रेजी सी, ठीक है ना, यहाँ पे जाऊंगा तो मैं मेरे को बड़े क्रेजी पोकेमोन मिलेंगे, एक पैलफेयर और मिल गई मुझे, वेरी नाइस वेरी नाइस गाइस वेरी नाइस, मजा आ रहा है भाई। भाई एक पैलफेयर और मेरे को कलेक्ट करनी है कहीं से भी, मैं नीचे तो कूदूंगा नहीं भाई, मेरे पास कोई पैराशूट तो है नहीं, पैराशूट भी इसका बिल्ड करेंगे, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे पैराशूट बिल्ड करेंगे। बाकी मेरा पोकेमोन एक मरा पड़ा है, देखो यार गाइस मेरे को बड़ा दुख हो रहा है ये वाले पोकेमोन के लिए, मेरे को वहाँ पे जाकर उसको रेस्ट मोड पे रखना पड़ेगा जब ठीक होगा ये, वरना ठीक नहीं हो पाएगा ये। बाकी मैं कुछ खाने पीने के लिए ले लेता हूँ यहाँ से, मेरे को पेड़ पौधे मिल गए हैं, मेरे बेरीज मिल गई हैं मुझे, पेड़ पौधे क्या बेरीज मिल गई हैं मुझे, बढ़िया करके मैं खा लेता हूँ और अपने पोकेमोन्स को भी खिला देता हूँ, जिससे कि हंगर हमारी पूरी हो जाती है और बहुत ही प्यारी हंगर हम कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि हमको आगे जाके भूख नहीं लगती। और मेरे को एक पैलफेयर और मिल गया, देखो सामने पड़ा हुआ है, वेरी नाइस। तो पैलफेयर उठाते हैं इससे फटाफट से, यहाँ से पैलफेयर उठा लिया मैंने, अब मैं यहाँ से एक और पैलफेयर दिख गया मुझे, तो भाई पैलफेयर तो मैं सारे उठाऊंगा भाई, पैलफेयर नहीं, पैलफेयर नहीं है यार, मुझे लगा था पैलफेयर है, लेकिन ये तो क्रिएट करने के लिए है, पैलफेयर पैलफेयर नहीं था वो, पैलफेयर क्रिएट करने के लिए। भाई ये क्या है, ओ भाई इस पर अटैक कर दूँ क्या भाई, कर सकता हूँ इसको मैं, पकड़ सकता हूँ ऊपर में बैठ के जा सकता हूँ, बैठना मुझे नहीं पता मैं कैसे बैठ सकता हूँ, लेकिन भाई ये कहाँ चला गया मेरा पोकेमोन, वापिस आ जा आजा आजा भाई, इसको मैं कैसे मारूँ यार, ये क्या नाम है इसका, नाइटविंग, नाइटविंग कुछ करके नाम है इसका भाई, इसको मैं उड़ने वाले किसी पोकेमोन से मार सकता हूँ और मैं किसे मार नहीं सकता, तो मैं इससे मारता हूँ और मैं इसको छोड़ता हूँ ऐसे करके, भाई ये मर चुका है मेरा, तो मैं इससे मार नहीं सकता, इससे भी नहीं मार सकता, इससे भी नहीं मार सकता, किससे मारूँ भाई, ये मर चुका है, इसी से ही मार सकता हूँ मैं, और इसको मैं अग्रेसिवली कमांड करता हूँ इसको मारे, इसे देख तो लिया गाइस, हमला वमला हो सकता है, उई किसको मार रहा है, ओए मेरे को एक वाओ गाइस मेरे को फास्ट ट्रैवल मिल गया गाइस, वेरी नाइस। ओए ये कौन है, अबे ये कौन से लेवल का है भाई, 99 लेवल का, इसको भी पकड़ते हैं फिर फास्ट ट्रैवल भी खोल लेंगे भाई, ओए 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 ओ भाई ये कौन सी पावर मार रहा है भाई, अबे भाई दो दो आ गए भाई, भागो 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 भागो, फास्ट ट्रैवल ओपन करो फटाफट फटाफट, फास्ट ट्रैवल ओपन करो, अबे वापस आ जा भाई, वापस आ जा भाई, तेरी जगह नहीं है, भागो यहाँ से भागो भाई, मैं अपनी जगह पे वापस भागता हूँ, अपने बेस पे भागता हूँ, मैं फास्ट ट्रैवल और दिख गया है, यस बाय 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 भाई, मारते रहो, मेरी पावर देखो कितनी कर दी इन्होंने यार, वाओ मेरी पावर ही खत्म होने वाली थी गाइस, बच गया गाइस, अब मैं इसको फूड खिलाता हूँ अपने बच्चे को, जिससे कि भाई सारे ठीक हो जाए, और मैं यहाँ पे ना यहाँ पे सीरियसली अपने इस वाले को मैं यहाँ पे उठा के रख दूंगा और उसको उठा के रखूंगा यहाँ पे, जिससे कि मैं भाई लड़ पाऊँ, और ये 9 मिनट में जाके ठीक होगा, 10 मिनट में जाके कुल टोटल में ठीक होगा, और मैंने इसको अपग्रेड कर दिया था, तो मैं एक तो इसको लगा देता हूँ, ये क्या कलेक्ट करता है मुझे तो कलेक्ट नहीं समझ में आ रही, फूड कलेक्ट करके आएगा ये मेरे लिए, तो मैं इसको लगाता हूँ, ये बहुत ज़्यादा खास नहीं है पोकेमोन, और ये क्या कलेक्ट करता है, हंगर फायर, ये क्या कलेक्ट करता है, ये भी फूड कलेक्ट करता, नहीं इसको फूड की जरूरत है, फूड कलेक्ट नहीं करता ये, तो काफी सारी चीजें कलेक्ट करते हैं, तो मुझे एक वो बनाना पड़ेगा जिसमें ये रखेंगे सारी चीजें, तो मुझे यहाँ पे कुछ अलग सा बनाना पड़ेगा जिसमें ये सारी चीजें रखेंगे, चेस्ट मैंने बना दी थी वैसे तो, और मैं क्या बिल्ड कर सकता हूँ मुझे देखना पड़ेगा, मेरे को टेक्नोलॉजी में जाना पड़ेगा गाइस, सॉरी टेक्नोलॉजी में जाता हूँ, और मैं क्या बिल्ड कर सकता हूँ, काफी सारी चीजें बिल्ड कर सकता हूँ, और मैं 5 लेवल पे पहुंच चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, मुझे कुछ भी नहीं पता, बेरी प्लांटिंग, तो भाई मैं ये पिक कर सकता हूँ, और मतलब इसको मैं टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकता हूँ, और टेक्नोलॉजिकल पॉइंट्स में पड़े हैं, टेक्नोलॉजी पॉइंट्स पड़े हैं ये नॉर्मल, भाई मैं वो भी बना सकता हूँ, मेरे को वो भी नहीं बनानी है, और ये क्या वुडन लिविंग रूम फर्नीचर सेट, भाई अभी मैं ये सब चीजें नहीं बनाऊंगा, अभी मुझे मेनली क्या बनाना है, मुझे ये दोनों चीजें भी बनानी है, मुझे ये भी बनानी है, मुझे ये भी बनानी है, तो भाई मैं क्या बनाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये भी नहीं पता ग्लाइंडर किस काम आता है, ग्लाइंडर तो भाई पैराशूट हो गया ना, हाँ
ओके मैं इसको बनाता हूँ। और ग्लाइंडर के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा मुझे देखना पड़ेगा भाई, तो मैं वो कलेक्ट करता हूँ भाई। गाइस फटाफट से, ग्लाइंडर के लिए मुझे चाहिए होगा वुड, मेरे पास वुड पूरा पड़ा है, मेरे पास क्लोथ चाहिए होगा, मेरे पास क्लोथ भी पड़ा भाई, शायद भाई 12 क्लोथ पड़ा है, तो मैं इसको बना क्यों नहीं पा रहा भाई। मैं क्लोथ को बनाने के लिए मुझे इसको स्टार्ट प्रोडक्शन करनी पड़ेगी पहले। आ जाओ भाई हेल्प करो, कोई मेरी हेल्प नहीं करने के लिए कोई मेरे पास है ही नहीं। आ गया मेरी हेल्प करने के लिए आ गया ये भाई, हेल्प होगी मेरी, थैंक यू भाई। भाग तो आया दूर से हेल्प करने के लिए, देख रहे हो गाइस मेरी हेल्प भी करते हैं मेरे पोकेमोन, और मेरा सामान भी ले लेके आएगा जिससे कि मैं सारी चीजें ले पाऊंगा। वाओ, तो गाइस अभी भी नहीं मैं कर सकता, अभी भी मुझे कम से कम नहीं तो ना करते हुए एक और चिकलोत, और मैंने वूल तो मेरे पास बहुत सारा है, तो मैं एक और क्राफ्ट कर लूंगा फटाफट से इसको। और गाइस ये बहुत जल्दी क्राफ्ट हो जाता है, अगर जल्दी क्राफ्ट नहीं होता तो मेरा पोकेमोन मेरी हेल्प करा देगा और एक सेकंड में जाएगा। लव यू है मेरी जान, लव यू है, थैंक यू। इसको लिफ्ट कर सकता हूँ मैं एफ से, ओ वाओ, मेन्यू भी खोल सकता हूँ, अरे वाओ ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई। चलो गाइस अब मैं अपना ग्राइंडर बनाऊंगा फटाफट से, ग्राइंडर के लिए मेरी हेल्प कराएगा, ग्राइंडर में थोड़ा टाइम लग रहा है बनने में। आजा फटाफट अब आप हेल्प करा, अब मजा आएगा, अगर तू अब हेल्प कराएगा तो मेरी जल्दी होगा। हाँ यार स्पीड बढ़ गई यार गाइस, वाओ। तो गाइस मेरा पैराशूट रेडी हो गया, इसने मेरी बोरी हेल्प कराई और पूरी हेल्प कराई जिससे कि मेरा पैराशूट बहुत जल्दी बिल्ट हो गया। तो मैं अपना पैराशूट इक्विप करता हूँ, और भी रेसिपीज हैं जो मैं कर सकता हूँ, मेरे को पहले तो रेसिपीज देखनी है कि भाई टेक्नोलॉजी में क्या क्या है मेरे पास जो मैं बिल्ड कर सकता हूँ। ओल्ड ब्लो मैं मतलब कर सकता हूँ क्राफ्ट, और एरो क्राफ्ट कर सकता हूँ, तो मुझे ये चीजें बहुत जरूरी चाहिए। और रिपेयर किट, तो मुझे रिपेयर करना पड़ेगा कुछ, तो मेरे को अपना रिपेयर एक आइटम करनी है भाई। और भाई नहीं 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 नहीं, वापिस आ जा वापिस आ जा वापिस आ जा मेरी जान वापिस आ जा, तो मेरे को एक चीज रिपेयर करनी है बहुत जल्दी में, तो मैं इसको रिपेयर करना चाहता हूँ भाई। स्टार्ट प्रोडक्शन क्या करूंगा इसका यार, मेरे पास ये है ना, तो मैं इसकी प्रोडक्शन का क्या करूंगा, रिपेयर कैसे करूंगा मैं। स्टार्ट प्रोडक्शन, मुझे ये चीज चाहिए भाई, फटाफट से बन जाएगा ये रिपेयर किट। और ये मेरी कितनी हेल्प करा रहा है भाई, मैं एक पोकेमोन और लगा दूंगा तो भाई मेरे को कितना मजा आ जाएगा। मैं रिपेयर कैसे करूंगा भाई, ठीक है मैंने कुछ कर दिया भाई, मैं रिपेयर कैसे कर सकता हूँ। हाँ मैं यहाँ पे जाकर रिपेयर भी कर सकता हूँ, तो मेरे पास ये चीज है मेरा यही है ना, तो मैं इसको रिपेयर कैसे करूं भाई। मैं स्टैमिना बढ़ाता हूँ अपना थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास स्टैमिना की कमी है, तो एक पॉइंट से मैंने स्टैमिना बढ़ा दिया और मैं यहाँ से चलता हूँ। और मैं एक अपना पोकेमोन यहाँ पे और लगा दूंगा जो मेरे पूरे बेस की हेल्प करेगा, तो मैं अपना एक पोकेमोन ये लगा दूंगा, ये भी ऐसा सही पोकेमोन है, बहुत ज्यादा खास नहीं है, तो मेरी हेल्प करेंगे। इनके लिए भी और बिल्ड करनी है चीजें भाई, तुमको और पोकेमोन पकड़ने पड़ेंगे, तो मैं वापस जाऊँ क्या जहाँ से मैं वापस आया था, एक आधा पोकेमोन पकड़ने। बाकी भाई मेरे को ना कमी लग रही है पोकेमोन्स की, लेकिन फिर भी कोई नहीं, मैं इनको खाना वाना खिला देता हूँ फटाफट से। खाना खिलाता हूँ पहले इसको भूख लग रही है, इसको भूख लग रही है, बाकी तो हंगर है, बाकी मेरे को भी हंगर थी तो मैंने अपनी भूख मिटा दी है। और मैं यहाँ से चलता हूँ वापस, अब मैं चलता हूँ फास्ट ट्रैवल करता हूँ भाई। गाइस फास्ट ट्रैवल मैं करता हूँ यहाँ पे, वापस मैं चला गया उसी जगह पे जहाँ पे मैं मरने वाला था भाई। वहाँ पे दो बंदे थे, मतलब दो पोकेमोन्स थे, बहुत ही क्रेजी, यहीं पर मेरे को मारने को हो रहे थे वो, लेकिन मैं भाग के आ गया था। अबे नहीं, अबे ये जगह ही नहीं है भाई, वो ये फास्ट ट्रैवल की जगह ही नहीं है, मेरे को वापस जाना पड़ेगा। मैं जहाँ पे मेरे को फास्ट ट्रैवल मिला था वो ये वाली जगह थी, तो यहाँ पे वापस चलते गाइस। हाँ भाई यही जगह थी वो, अच्छे से याद है, मतलब ये वाली जगह थी, कुछ अलग डिफरेंट जगह यार। मैं निकल के आया था यहाँ से, और यहाँ पे बहुत ही क्रेजी पोकेमोन्स थे भाई। मैं और पोकेमोन्स पकड़ूंगा, एक आधा पोकेमोन तो पकड़ूंगा भाई। ये कहाँ से आवाज आ रही है भाई, मैं भाग रहा हूँ तो ये देखो ये चल रहा है, इसकी आवाज आ रही है बड़ी क्रेजी सी। बाकी ये टेंजी कौन सा पोकेमोन है भाई, ये मैं पकड़ लेता हूँ, ये पकड़ लेता हूँ। खाना पीना मेरे को बहुत जरूरी चाहिए भाई ऑल टाइम, जिससे कि मैं सबको फूड टाइमली खिला पाऊं, जिससे कि हंगर इनकी खत्म हो जाए, हंगर ना रहे ऑल टाइम, हंगरी ना रहे यार। बाकी मुझे ये पांच पकड़ने हैं लैम बेल्स, इनका भी पूरा मिशन कंप्लीट करूंगा मैं अलग एपिसोड में करूंगा अलग से। बाकी मेरा एक लेवल और बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजिकल पॉइंट्स मेरे बढ़ चुके हैं, टेक्नोलॉजी पॉइंट्स देखें चेक करें गाइस, चेक करते हैं। मेरे 6 लेवल पे पहुंच चुका हूं मैं भाई, मेरे लेवल बढ़ रहे हैं यार। और ये क्या है, पाल गियर बुक बैंड, इसको मैं कर सकता हूं, वैसे मेरे पास है पॉइंट्स तो मैं इसको कर लेता हूं। और ये क्या चीज है मुझे नहीं पता, स्टैचू ऑफ पावर। बाकी ये टॉर्च है, ये भी एक टॉर्च है भाई, ये क्रेजी टॉर्च है लाइटनिंग, ये भाई उससे भी पावरफुल टॉर्च है, तो टॉर्च की तो बहुत जरूरत पड़ेगी मुझे, तो इसको भी पकड़ लेते हैं। और ये क्या है, फॉक्सवेयर हैमर्स की आइटम्स, ये भी मेरे को पता नहीं है किस काम आएगा। वुडन टर्म्स देखे सर्च मारेंगे कि कौन सी चीज कब काम आएगी, यही बताएगा भाई मेरे को सारा सिनेरियो, गेम प्ले ही बताएगा। बाकी आगे जाकर देखते हैं मेरे को क्या क्या आइटम क्रिएट करनी पड़ेगी भाई। ये ऊपर कुछ पड़ा है, मेरे को लेना है ये किसी भी कीमत पे लेना भाई। ये कोई पाइल्स फेयर है भाई, कुछ अलग लेवल की पाइल्स फेयर है ये, जितनी जितनी आगे बढ़ रहा ना गाइस मैं उतना लेवल मेरा बढ़ी जा रहा है, और लेवल बढ़ रहा है तो मुझे चीजें समझ में आ रही है। ये भाई कोई बड़े से पोकेमोन को पकड़ने वाला पैल फेयर है, जिससे कि एक ही बारी में पकड़ा जाएगा 11 12 13 लेवल का, तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या है ये, ये क्या है, ग्रास स्केल फ्रूट, ये तो कोई फ्रूट है, मुझे लगा कोई पैल फेयर है, कोई और कलर का पैल फेयर है, पैल फेयर नहीं है, ऐसा ही दिखता था वो भी। तो मैं और आगे जा ही जा रहा हूँ, मेरे को एक आधा और कोई मिल जाए फास्ट ट्रैवल, जिससे कि मैं फास्ट ट्रैवल करके घर भी चले जाऊं, और वहां पे मैं आसपास कोई एक पोकेमोन भी पकड़ लूं। यूज अ स्किल फ्रूट फॉर योर इन्वेंटरी टू लर्न अ पैल स्किल, भाई अभी करूंगा मैं, बाद में करूंगा, अभी मैं कुछ ऐसा नहीं सिनेरियो रखना चाहता जिससे कि मेरे को आगे जाकर दिक्कत हो। भाई ये तो पूरा ओशन सा आ गया कोई, पता नहीं क्रेजी सा। यहाँ पे कौन से पोकेमोन है भाई, मुझे कोई चेस्ट मिली है, मैं चेस्ट को ओपन करता हूँ, और चेस्ट के ओपन करने के बाद देखता हूँ उसमें से क्या क्या निकलता है, पता नहीं कौन सी चेस्ट है, इसमें से क्या क्या निकलेगा। ब्रेड्स निकली है और गोल्ड कॉइन्स निकले हैं,
गोल्ड कॉइंस का काम आते हैं यार, मुझे ये नहीं पता, कहीं तो काम आते होंगे यार, बाकी देखेंगे कहाँ पे काम आते हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली में कहाँ पे काम आते हैं। और ये भी लेते हैं भाई, क्या चीज है ये, पता नहीं कहाँ कहाँ पे चीजें काम आती है, धीरे धीरे पता लगेंगी भाई। सेकंड एपिसोड में गाइस क्या ही पता लगेगा, बताओ आप खुद ही बताओ, धीरे धीरे पता लगेंगी ना चीजें कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। और मुझे नहीं लग रहा भाई यहाँ पे ना कुछ भी मुझे मिलने वाला, तो मुझे वापस माउंटेन क्लाइंब करना पड़ेगा, इसका स्टेमिना खत्म हो चुका है, मैंने बढ़ाया लेकिन स्टेमिना तो खत्म होगा ना यार। बाकी भाई यहाँ पे कोई सिनेरियो लग नहीं रहा मुझे, बाकी वो कोई जगह लग रही है मुझे भाई, ये कैसी सी जगह है यार, समझ से बाहर भाई चीजें, इस पूरे वर्ल्ड में समझ से बाहर भाई, कौन सा पोकेमॉन कहाँ से निकल रहा है क्या कर रहा है, आई डोंट नो। यहाँ से चलते हैं भाई फटाफट चलते हैं और देखते कोई एक पैल और पकड़ा जाए क्रेजी सा, जिससे कि मैं आगे अपना मिशन बिल्ड कर पाऊँ, मतलब अपना वर्ल्ड बिल्ड कर पाऊँ, मिशन नहीं वर्ल्ड बिल्ड कर पाऊँ। मेरा वर्ल्ड जितना आगे क्रेजी होगा उतना ही मैं डेंजरस होते चले जाऊंगा, बाकी मुझे समझना पड़ेगा भाई इस गेम को, खतरनाक गेम है ये, आप देख ही रहे होगा इस कितनी खतरनाक गेम है भाई, मैं कुछ कह नहीं सकता इस गेम के बारे में, इतनी खतरनाक गेम है ये। बाकी वहाँ पे कुछ पड़ा है, मेरे को भी कुछ चीज ऐसा नहीं चाहिए, कुछ बिल्ड करना होगा तो मेरे पोकेमॉन्स मैंने वहाँ पे दो लगा दिए, उनके लिए बेड वेड भी लगाने पड़ेंगे मुझे, उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी, तो इंडोर में बेड लगते हैं पोकेमॉन्स वगैरह के सारी चीजों के। बाकी ये पेंगुलेट है ना, हाँ पेंगुलेट ही है ये, तो इसको तो मैं पकड़ चुका हूं, एक मेरे पास है पेंगुलेट भाई, मैं आगे जा ही जा रहा हूँ, कोई फास्ट ट्रैवल नहीं मिल रहा भाई, कोई फास्ट ट्रैवल मिल जाए तो मजा आ जाएगा यार, फास्ट ट्रैवल बताओ मुझे गाइस यहाँ पे कहाँ होते हैं यार, मेरे लिए तो नया वर्ल्ड है ना, आप लोगों के लिए तो चलो आप देख रहे हो, आप लोगों के लिए तो आपको नॉलेज होगी कि भाई कौन सा वर्ल्ड कहाँ पे है, मतलब कौन सा सिनेरियो कौन सी जगह कहाँ पे है भाई, बता दो मुझे, थोड़ी सी हेल्प करो मेरी यार, मेरे को समझ में आ रहा है। बिल्ड अप योर बेस भाई, मार्स आइलैंड में आ चुका हूँ यहाँ पे यार, पिछले एपिसोड में मैं आ चुका हूँ, मैंने 5 पोकेमॉन पकड़े थे एक ही एपिसोड में, इस एपिसोड में मैं 3 पोकेमॉन भी पकड़ लूंगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये देखो भाई ये क्या हो रहा है, ये कहाँ भाग रहे हैं, ओ ये कौन सा पोकेमॉन है भाई, ये कोई पिग सा पोकेमॉन है, पिग जैसा चिकी पी है ये, इसका नाम क्या है, रशोर। ओबे भाई पागल है क्या, मेरे को क्यों मार रहा है, मैं भाग रहा हूँ से, मुझे ऐसे ऐसे पोकेमॉन नहीं चाहिए गंदे जो दिखने में ही बड़े वियर्ड से हो। ओए गाइस देख रहे हो गाइस कितनी क्रेजी चीज खुली हुई है मेरी, वाओ ये देखो पैराशूट, मैं कूदूंगा ना यहाँ पे, कूद नहीं रहा तो क्योंकि स्टेमिना खत्म हो चुका है, वाओ मैं कहीं ऊपर से कूदूंगा, जितना मेरा स्टेमिना होगा उसके हिसाब से ये पैराशूट को क्लाइम करेगा। और यहाँ पे रात हो रही है गाइस, रात हो रही है तो एक पैल फेयर भी मिल गई है मुझे, वाओ ये भी अच्छा था यार, और मेरे को काफी सारे मेरा फूड आइटम भी मिल गया है, तो गाइस मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ अब यार, धीरे धीरे अनाउंसमेंट हो रही है। पैराशूट तो मैंने अब देखा कैसे खुलता है यार, मेरे को पैराशूट देखा ही नहीं मैंने, कि मेरे को पता नहीं था मेरे को एक्जैक्टली में कि पैराशूट खुलता कैसे है, तो पैराशूट ऐसे खुलता है, एक पैल फेयर मेरे को शायद और मिल गई है, हाँ एक नहीं दो मिल गई है शायद, बाकी यहाँ पे एक चेस्ट पड़ी है, पहले चेस्ट खोलूंगा फिर एक और पैल फेयर मतलब पकड़ूंगा, उसको पिक करूंगा। स्मॉल पैल सोल, ये सोल किस काम आते हैं मुझे नहीं पता, पैल के पता लगाएंगे भाई किस काम आते हैं। पैल फेयर तो मुझे बहुत सारी मिल रही है गाइस, आप देख ही रहे हो, तो मैं किसी को भी ऐसे मार के पकड़ सकता हूँ। भाई ये कौन सा पोकेमॉन है गंदा सा, ठीक है जैसा भी है तू अपने लिए सही है अपने। ओ ये देखो भाई इन्होंने ही मारा था ना मुझे गाइस, मैं तो इसको पकड़ने के लिए रेडी हूँ यार, लेकिन अभी मैं उस लेवल का नहीं हूँ, मेरे पोकेमॉन बढ़ चुके हैं, मैं काम करता हूँ, मेरे को मारने के लिए रेडी हो चुके हैं, तो एक मुझे शायद मिल चुका है आई थिंक सो, मुझे पक्का नहीं पता। अगर ये फास्ट ट्रैवल होगा तो मैं यहीं से कोई अच्छा सा पोकेमॉन पकड़ूंगा और मैं भाग जाऊंगा यहाँ से अपने घर की तरफ। बाकी ये फास्ट ट्रैवल नहीं है गाइस, यहाँ पे कोई अलग सी लाइट है भाई, ये क्यों लाइट लगा रखी है भाई इसके अंदर, भाई कोई मतलब है तुम्हारी इस लाइट को लगाने का, पागल हो क्या, मेरे को बिन मतलब के गुमराह कर रहे हो यार तुम तो। अरे भाई मेरे को कोई मिल ही नहीं रहा भाई, मैं बहुत आगे आ चुका हूँ भाई, मेरे को नहीं पता कि मुझे फास्ट ट्रैवल मिल जाए। और ये देखो ये कौन सा पोकेमॉन है, ये मेमरस यहाँ पे भी एक भाई, एक मेमरस यहाँ पे भी है, मैं मार नहीं सकता इसको, 30 लेवल का भाई ये, कैसे मारूंगा मैं इसे, पॉसिबिलिटी नहीं है यार। और इसको पकड़ने के लिए कोई और पैल फेयर लगेगी भाई, ये वाली पैल फेयर में तो आएगा ही नहीं है, और ये कुछ बोलता नहीं है भाई, ये शरीफ सा पोकेमॉन है, मतलब डाउन टू अर्थ पोकेमॉन है, आप खुद ही देख रहे हो भाई, कुछ बोलता ही नहीं है बेचारा, क्या ही करे बेचारा। एक पैल फेयर मुझे और मिल गई है, यहाँ पे क्या था ये, मैंने कुछ देखा था अभी यार, कुछ चमक रहा था, हाँ भाई एक चेस्ट और मिल गया, और चिकी पी बैठे हुआ यहाँ पे, बताओ चिकी पी मुझे बढ़िया लग गया पता नहीं क्यों। एरो मिले मुझे 11, तो मुझे भाई अपनी बो बनानी बहुत जरूरी है, मैं बो बनाऊंगा इसके बाद। वहाँ पे कुछ पड़ा है, मैं वहाँ पे उस साइड जा रहा हूँ उसको पिक करने के लिए, भाई बहुत ज्यादा चमक रहा है। एक और ही चेस्ट चाहिए शायद, चेस्टों से चीजें तो अच्छी अच्छी भी निकलती है शायद भाई। ये कोई एग है, ये कहाँ लगते हैं मुझे नहीं पता, स्क्रोलिंग एग, ये एग वो एग, बड़े सारे एग्स मिल रहे हैं मुझे, मेरे को उसी साइड जाना भाई किसी भी कीमत पे, वहाँ पे बहुत सारे पोकेमॉन है भाई, बहुत सारे पोकेमॉनों को पकड़ना है मैंने भाई, एक पोकेमॉन तो और पकड़ना है मुझे किसी भी कीमत पे। क्रेजी गेम प्ले है भाई, कोई दिक्कत थोड़ा है भाई, रोशनी करके तो चलता हूँ मैं, और मेरा एक डैमेज हो गया है वेपन, उसको मेरे को थोड़ा सा रिपेयर करना है, और मेरे को नहीं पता मेरे को कैसे रिपेयर करना है भाई, ऐसे से ही कुछ रिपेयर करना होता है।
अब मुझे नहीं पता मेरे को कैसे रिपेयर करना है, रिपेयर नहीं करना आता भाई मुझे यार, रिपेयर नहीं करना आता गाइस मुझे, गाइस मुझे रिपेयर करना सिखा दो यार कोई। चलो मैं सीख लूंगा, खुद ही सीख लूंगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे फिर भी कमेंट में बताना कि रिपेयर कैसे करते हैं यार, मुझे रिपेयर करना नहीं आता है, वेपन को रिपेयर कैसे करते हैं यार, क्रेजी सी सिस्टम है यार ये भी। वेपन भी डैमेज होते हैं, वेपन को भी रिपेयर करना होता है, रिपेयर के लिए भी बड़ी सारी चीजें लगती हैं। बाकी एक मेरे को पोकेमॉन पकड़ना बहुत जरूरी है इस टाइम पे, सारे आधे से ज्यादा चिकी पी तो सो रहे हैं यार। क्रेजी सा पोकेमॉन मिल क्यों नहीं रहा भाई मुझे, फास्ट ट्रैवल अब फाइनली मिल चुका है एक बहुत दूर, वो शायद फास्ट ट्रैवल ही है मुझे नहीं पता एक्जैक्टली में कि वो फास्ट ट्रैवल नहीं है। बाकी एक पता नहीं कौन सा था, ये भी सो रहा है, पकड़ चुका हूँ उसे एक को, पता नहीं एक को पकड़ चुका हूँ या फिर मैं इनसे फाइट किया है मेरे को नहीं पता भाई, सीरियसली नहीं पता। बाकी वहाँ पे कुछ चीज है, फटाफट यहाँ से जाता हूँ। और ये सो रहे हैं घोड़े बेच के यार, कराटे ले रहे हैं भाई, गलत सीन, गलत गाइस बहुत गलत, समझ से बाहर है भाई कैसे कहते पोकेमॉन्स हैं यहाँ पे अलग अलग से। बाकी मुझे फास्ट ट्रैवल तो दिखा है, फास्ट ट्रैवल बोरा पक्का वो फास्ट ट्रैवल है ना, अगर वो फास्ट ट्रैवल होगा ना तो निकी जीने में मजा आ जाएगा। बाकी अकेला है तो मैं इसको पकड़ सकता हूँ भाई, थर्ड लेवल का उड़ने वाला है, मेरे पास उड़ने वाला एक भी पोकेमॉन नहीं है और ये दो इकट्ठे हैं यार भाई, ये कैसे से हैं मैं नहीं पकड़ रहा इनको, गंदे से ही है, अजीब से ही है, ये अकेला है, मैं इसको पकड़ सकता हूँ गाइस पता है आपको, बात एक को तो पकड़ता हूँ यार गाइस, ये फोर्थ लेवल का है, इसके लिए मैं अटैक कर इसे, हाँ इसको अटैक कर, अटैक कर इस पर। ओए फालतू नहीं, फालतू बातें नहीं सुनूंगा मैं तेरी भाई, पूरा नहीं मानना जान से इसे, रिपेयर कैसे करते हैं। ओए वापिस आ जा, तू वापिस आ जा, इसके ऊपर मैं अब मेरी वेस्ट करा दी तूने साले पागल, आ जा एक ही बारी में आ जाएगा गाइस, ये बहुत छोटे लेवल का था, कोई दिक्कत नहीं, एक पोकेमॉन और पकड़ लिया है। बाकी अब मेरे को फास्ट ट्रैवल फटाफट जाके खोलना है गाइस, वाओ एक और पोकेमॉन पकड़ लिया मैंने, बढ़िया पोकेमॉन, पता नहीं बढ़िया घटिया मुझे नहीं पता, वैसे तो घटिया ही लग रहा है मुझे, कोई बहुत ज्यादा खास नहीं लग रहा, उड़ता हुआ दिखा है मुझे तो मैंने पकड़ लिया इसे, कोई नहीं। ये भी भाई कोई है थोड़ा अलग सा पिग सा, पता नहीं कैसे से पोकेमॉन है भाई, मेरे को समझ से आ रहा है भाई, मेरे को फास्ट ट्रैवल ये ओपन करना है फटाफट से, और यहाँ पे कुछ क्रेजी से पोकेमॉन जरूर होंगे, जहाँ पे फास्ट ट्रैवल होता ना एक चीज नोटिस करना, वहाँ पे क्रेजी से पोकेमॉन जरूर होते हैं भाई, भाई मैं मर ना जाऊँ बस इसके अंदर यार, भाई बंद कर देता हूँ मैं इसे। भाई पानी की आवाज आ रही है बड़ी खतरनाक, जैसे कि पूरा भीग चुका हूँ मैं, ओ मैं मर गया, मैं मर गया, मैं गाइस गया, गया मैं गाइस गया, गाइस मैं नहीं बच सकता, मेरे को यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा, पहले मेरे को तो यहाँ पे जाना पड़ेगा उठ के, जिससे कि मैं यहाँ पे पहुंच जाऊँ फटाफट। और भाई मैं एक ये वाली पैल फेयर भी ले लूंगा फटाफट से पैल फेयर लेता हूँ, हटा भाई तू इसे हटा, पागल है क्या यार, मैं वो कैसे ओपन करूँ, मेरे को ऊपर कैसे जाना पड़ेगा, मैं ऊपर तो जाऊंगा भाई कैसे भी करके, भाई रोशनी हो जा, रोशनी भी नहीं हो रही अब तो, पानी के अंदर घुस गया ना, तो यहाँ से मैं ऊपर जा सकता हूँ ऐसे करके, और मैं अपना फास्ट ट्रैवल खोल सकता हूँ, फास्ट ट्रैवल खोलूंगा बढ़िया हो जाएगा काम, जल्दी से पहुंच जाऊंगा, जहाँ यहाँ पे फास्ट ट्रैवल खोलूंगा वहाँ पे सिनेरियो में जल्दी से पहुंच पाऊंगा। तो एक फास्ट ट्रैवल मैंने और खोल लिया, यहाँ से कोई आसपास से कोई अच्छा सा पोकेमॉन पकड़ते हैं, देखते हैं भाई कोई डेंजरस सा पोकेमॉन है तो पकड़ लूंगा मैं, बाकी आसपास ही है पोकेमॉन। भाई ये कौन सी जगह है यार, क्रेजी सी जगह लग रही है भाई, ईस्टर्न वाइल्ड आइलैंड है भाई, ईस्टर्न वाइल्ड आइलैंड, मतलब यहाँ पे कोई क्रेजी से पोकेमॉन होंगे अलग लेवल के, मुझे अभी तक पोकेमॉन दिखे नहीं है उस लेवल के। अबे कूद जा भाई कूद जा, जब तक इसका स्टेमिना पूरा नहीं होता ना, कूदता भी नहीं है यार, एक चीज तो देखिए जंप ही नहीं करता यार ये, भाई ये कौन सा पोकेमॉन है, ये भी क्रेजी लग रहा है। एक पोकेमॉन ये वाला पकड़ते हैं गाइस फटाफट से, और मैं इसके लिए पेंगुइन को नहीं भेजूंगा, मैं इसके लिए भेजूंगा अपने इस वाले पोकेमॉन को, भाई इसकी भी हेल्थ मैंने बहुत कम कर दी है, वेयरवुल्फ को भेज दूं, भाई ये दो दो हैं, चल बैठ इससे इससे बैठ जा फटाफट। हाँ भाई ये वाला तो मेरा वेपन डैमेज हो गया बहुत ज्यादा, मार से मार से मार से फटाफट मार, भाई कम नहीं है तू मेरे बोरे वुल्फ, हाँ मार से मेरी तो हेल्थ जाएगी जाएगी, लेकिन मैं इसको मार के रहूंगा साले पागल। अभी मैं वो भी क्रैक कर लूंगा जिससे कि दूर से भी मार पाऊँ इन्हें, मैं यार मैं मार नहीं पाता इन्हें दूर से ना, फिर वुल्फ आप ही था, दूसरा पोकेमॉन जाएगा मेरा भी है, अब मेरा ये वाला पोकेमॉन जाएगा, देखो इसका भाई भी आ गया वेयरवुल्फ, इसका मतलब इस वाले का भाई, इसका भाई आ गया मेरे से लड़ दे, ओए भाई ये तो मेरा पोकेमॉन था ठीक है ओके है कोई दिक्कत नहीं है भाई, कुछ क्रेजी सा पोकेमॉन ही है ये भी, सबकी हेल्थ बढ़ेगी जितने पोकेमॉन पकड़ूंगा उतने कम है मेरे पे, भाई आजा वापिस आजा वापिस आजा, जान से नहीं मारना इसे, चल आजा मेरे मेरे उसमें आजा। गाइस फाइनली एक और पोकेमॉन कैप्चर कर लिया अलग सा, और मेरे को कोई मार तो नहीं रहा ठीक है, कोई नहीं मार रहा, तो मैं फटाफट फास्ट ट्रैवल पे जा रहा हूँ भाग के और अपनी जगह पे जाऊंगा। आर्मर डैमेज, आर्मर भी डैमेज हो गया मेरा भाई, आर्मर को भी मेरे को भाई इसको रिपेयर कैसे करते हैं भाई मुझे ये बताओ, भाई वापस आया तू मेरे को तो नहीं भागना बार को, तो भाई ये उठाना था तेको मैं गलती से भेज दी, और भाई दिन भी हो गया यहाँ पे चेस्ट पड़ी हुई है, चेस्ट को ओपन करते हैं और फटाफट से हम फास्ट ट्रैवल की ओर निकलते हैं और अपनी जगह पे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, अच्छी गेम प्ले चल रहा है भाई, मजा आ रहा है खेलने में, कुछ भी नहीं निकले एरो निकल रहे हैं भाई, मेरे को वो भी बिल्ड करना है, पहले वहां पे जाके मैं एक वो बिल्ड करूंगा जिससे कि मैं मार पाऊं यार एरो से, मार नहीं पा रहा मैं लोगों को यार, मेरे को यहीं से घूम के जाना पड़ेगा, बहुत ही क्रेजी। इसको मैं अंदर करता हूँ, चलो जी दिन भी हो गया है बहुत बढ़िया, डे हो चुका है गाइस, डे लाइट आ चुकी है, अभी मैं यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ सकता, मैं यहाँ से ऊपर चढ़ूंगा, मैं फास्ट ट्रैवल से अपने घर की तरफ चलूंगा, अपने बेस की तरफ चलूंगा यार, बेस तो मैं अच्छा सा बनाऊंगा, देखो थोड़ी सी आगे जाके मुझे ये भी पकड़ना है, नाइट विंग है कोई नाम का, ये उड़ता है भाई, इसके ऊपर बैठ सकता हूँ मैं पोकेमॉन्स के ऊपर बैठ सकता हूँ, ट्रैवल कर सकता हूँ पोकेमॉन्स के साथ उनके ऊपर बैठ के, लेकिन मुझे नहीं पता
और मुझे रिपेयर करना भी नहीं आता। तो चलो कोई नहीं, अपने बेस पे चलते हैं फटाफट से। बेस पे मैंने एंट्री मार दी और मेरा बेस है, ये मेरा बेस है, होम का साइन बना हुआ है यहाँ पे। तो गाइस फाइनली हम अपने बेस पे पहुंच चुके हैं, मेरे पोकेमॉन सो के उठ चुके हैं और मेरे से बहुत नाराज होंगे। तो ये देखते हैं भाई मैंने कौन कौन सा पोकेमॉन पकड़ा है। भाई मैंने काफी सारे पोकेमॉन पकड़ लिए हैं। तो गाइस यहाँ पे दो पोकेमॉन है, इसको रिपेयर करना है, तो इसको मैं उठा के ऊपर रख देता हूँ। भाई ये खुंदक में हो गया क्या मेरे से? खुंदक में तो नहीं हुआ, खैर ठीक है। अब इन दोनों को हटा के इसको मैं लगाता हूँ काम पे। जो भी चीजें कलेक्ट करता है मुझे नहीं पता, मेरे पीछे पीछे रहता है क्या तू? एक मैं कुल लगा सकता हूँ, तो मैं ये शिप लगाता हूँ यहाँ पे। मारा तो इसने अच्छा था, देखो पोकेमॉन को। कोई नहीं गाइस, अब मैं बो बनाता हूँ एक फटाफट से अपनी। बो बना के मेरे को थोड़ा सा ना एक इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। बो को बनाने के लिए मुझे भाई वुड चाहिए तीन और फाइबर चाहिए। फाइबर की कमी है भाई, फाइबर कैसे लाऊं मैं? भाई फाइबर कहाँ से, कौन सा पोकेमॉन मेरे को देखना है भाई, कौन सा पोकेमॉन कहाँ से क्या बिल्ड करता है यार? ये कौन सा पोकेमॉन है? ये वूल पता नहीं भाई क्या बिल्ड करता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं गाइस, जो भी लेके आता है मुझे भाई फाइबर बहुत सारे इकट्ठे करने हैं। फाइबर इकट्ठे करेंगे और क्या बना सकता हूँ मैं? एक चेस्ट और बना सकता हूँ, जिससे कि मेरे को आगे जाके दिक्कत नहीं होगी यार। मेरे को भाई और भी चीजें बिल्ड करनी है, और भी बिल्ड करने के लिए मुझे भाई यहाँ पे ना बिल्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो बिल्ड करता हूँ मैं। और मैं ये बिल्ड करता हूँ, देखो टॉर्च है तो ये यहाँ पर मैं टॉर्च को क्रिएट कर सकता हूँ भाई, यहीं पर ही कहीं क्रिएट कर देता हूँ, जिससे कि ऑल टाइम गर्मी रहे। मिड ऑफ द सर्कल करूंगा भाई, इसको मैं करता हूँ फटाफट से। मेरी हेल्प कर फटाफट आके, दोनों हेल्प करो मेरी, दो है ना। फटाफट से मिशाल बन गई एक मेरी, इग्नीट कर दूंगा, अभी की जरूरत नहीं है इग्नीट करने की, वैसे ऑल टाइम चलते रहेगी। डैमेज जो है मेरा, मेरे को कैसे मेरे को करना है मेरे को नहीं पता। तो मेरा आर्मर डैमेज है, ये डैमेज है मेरा, दोनों चीजें डैमेज है भाई। कोई नहीं गाइस, रिपेयर करेंगे। और काफी यहाँ पे मिशाल लगा दिया मैंने, मतलब टॉर्च लगा दिया। और ये मेरा पोकेमोन है, दो पोकेमोन यहाँ पे घूम रहे हैं, देखो ये घूम रहा है, ये वूल लेके आएगा शायद, मुझे यहाँ तक लगता है। मैं अपने एक बारी इसमें देख लेता हूँ कि मेरे इसमें क्या क्या कलेक्ट हुआ है, से कि मुझे पता लग जाए। इसमें मेरे पास एक पत्थर है, मेरे पास भाई वुड है भाई, वेरी नाइस, वुड भी लेके आ रहा है कोई, पता लगाएंगे गाइस ये देख करके, वेरी नाइस। सो गाइस यहाँ पे मैं अपना गेम प्ले एंड करता हूँ, अपना एपिसोड एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज थोड़ा सा मेरे को कमेंट में सजेशन दो कि मेरे को आगे क्या करना है। बाकी मैं एक बारी और मैनुअल पढ़ लूंगा, जिससे कि मुझे आगे पता लग जाए कि रिपेयर कैसे करना है। काफी सारी चीजें मैंने पढ़ी थी, जिसकी वजह से मैं स्टार्ट कर पाया था गेम। उसके बाद जो चीजें मेरी यहाँ पे मेरे को दिक्कत दे रही है, उसके कारण मुझे एक मैनुअल फिर से पढ़नी पड़ेगी, तो वो मैं पढ़ लूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, लाइक कर दो वीडियो को। और हाँ, जैसे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा यार, होगा नाम जल्दी जाके फॉलो कर लो। डिस्क्रिप्शन में हर सोशल मीडिया के लिंक है, स्नैपचैट इंस्टाग्राम फेसबुक, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे से ढेर सारी बातें कर सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मेरे को स्नैपचैट पे मैसेज करो, जिससे कि मेरे से बात कर पाओ, जिससे कि मैं आपसे बात करके जो भी गेम में मैं थोड़ा सा पीछे रह रहा हूँ वो आप मुझे बताओगे, तो मैं बहुत जल्दी इस गेम को भी अचीव कर लूंगा। मीन्स मैं बहुत अच्छा अपना वर्ल्ड बना लूंगा और बहुत ही साथ में मिलकर बहुत ही अपना आपको पावरफुल बना लेंगे, अपना लेवल अप कर लेंगे। तो हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मुझे स्नैपचैट पे फॉलो कर लो, और मुझे वहाँ पे मैसेज जरूर करना। इस बार मैसेज करे बिना मत जाना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट गेम प्ले में। आई लव यू, टेक केयर, बाय बाय।